Hello everyone and welcome to Innovative Science Tutorials. So students, today we are going to start up with another topic from the chapter Reproduction in Plants, that is Artificial Vegetative Propagation. And in this we are going to study about everything related to the artificial ways of vegetative propagation of any plant, starting from cutting till tissue culture. So let us see that what we are going to study. We are going to study about cutting children. We'll study about cutting, layering, grafting and tissue culture, all the four methods in detail. These four techniques or methods of artificial propagation, artificial vegetative propagation, are widely used by horticulturalists as well as the farmers, ठीक है, to get an improved variety of a desired plant. जिसका हमको improved variety चाहिए या उसमें कुछ नया feature चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग करते हैं artificial vegetative propagation. ये काफी ब्रॉड स्केल में होता है, ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज कटिंग. लेट अस सी दैट हाउ वी डू आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मींस ऑफ कटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स. व्हाट डू वी रिक्वायर हियर? वी सिंपली रिक्वायर अ स्टेम ऑफ द डिजायर्ड प्लांट दैट वी वांट टू ग्रो, ठीक है, जिसको हमें ग्रो करना है उससे एक हेल्दी स्टेम लेना है, मतलब कि एक हेल्दी प्लांट का हेल्दी स्टेम लेना है. एंड व्हाट वी नीड टू मेक श्योर दैट इट हैज़ गॉट एक्सिलरी बर्ड्स. उसमें क्या होना चाहिए? एक्सिलरी बर्ड्स हो जो कि शूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करे आगे चल के, ठीक है, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन में हेल्प करे. तो एक्सिलरी बर्ड्स होना चाहिए. सो लेट अस से आई हैव टेकन वन स्टेम. सपोज आई हैव टेकन वन स्टेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल कट दिस स्टेम विथ वन एक्सिलरी बर्ड इंटैक्ट. हर एक सेगमेंट में क्या होना चाहिए? एक एक्सिलरी बर्ड तो जरूर होना चाहिए, ठीक है. तो आई विल मेक श्योर दैट. तो अब मैंने इसको बहुत सारे पीसेस में काट दिया. लेट्स से कि हर एक पीस जो है मेरा, दैट इज मे बी 8 inches, ठीक है, 8 inch का है हर एक पीस, लेट्स से जस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो अब क्या करना है बेटा? नेक्स्ट एक पीस मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ. सपोज दिस इज वन पीस ऑफ द स्टेम विथ अ बर्ड, ठीक है, इसके पास एक बर्ड है. वी विल ऑलवेज मेक श्योर दैट वी विल कट द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम दैट विल डेवलप द रूट्स इन फ्यूचर ऑब्लिकली. व्हाई सो? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट, दैट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट. ऑब्लिक कट होना चाहिए, ठीक है, ऑब्लिक कट एट बेस ऑफ स्टेम. ऐसा क्यों होना चाहिए बेटा? क्योंकि अगर हम लोग ऑब्लिक कट देंगे देन व्हाट विल हैपन, मोर सरफेस एरिया विल बी एक्सपोज्ड फॉर ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ रूट्स. सो दिस इज ऑल डन. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दिस स्टेम इन मॉइस्ट सॉइल. किस में डालेंगे हम लोग इसको? मॉइस्ट सॉइल में हम लोग इसको प्लांट कर देंगे, डिप कर देंगे, ठीक है. देन आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज व्हाट वी विल ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व दिस दैट द बेस ऑफ द स्टेम विल डेवलप रूट्स. ओके, कैन यू टेल मी चिल्ड्रन विच टाइप ऑफ रूट्स आर दीज? These roots are adventitious roots. कैसे roots है? Adventitious roots है. क्यों है ये adventitious root? Because they have developed from the stem which is not radical. तो if a root, if we can call a root a true root only if it develops from radical. All other roots that develop from the different parts of the plant body other than radical are called adventitious roots. So I hope that I am clear. तो now roots are developed. Now what you will see that the size of the bird will also increase and within a short span of time shoots will develop. ठीक है, बहुत जल्दी तो नहीं होता है चाइना रोज के केस में, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट ग्रेजुअली द शूट्स स्टार्ट डेवलपिंग. और एक बार ग्रोथ ले लिया देन इट इज वेरी इजी फॉर द प्लांट टू डू फोटोसिंथेसिस एंड ऑल एंड बिकम अ फुल्ली इंडिपेंडेंट प्लांट. तो दिस इज हाउ द प्लांट्स लाइक रोज, चाइना रोज, लेमन, सुगर केन एटसेट्रा, दे डेवलप बाय मीन्स ऑफ कटिंग इंटू अ कंप्लीटली new independent plant. I hope you have understood children.
Now the next one is layering children. Again, another interesting method of artificial vegetative propagation. Layering is generally done in jasmine, mint and rose. ठीक है? So how it is done? Let's say this is a jasmine plant. We have taken for example over here. So first of all, what do we require? We require a healthy plant of the variety that we want to grow. ठीक है? So let's say I want to grow a jasmine plant. So I have chosen one jasmine plant. I need not to remove it from its place. It will remain intact in its place. And next, what I will do? I will find one of the lower branch that has an axillary bud. एक ऐसा lower branch मैं खोजूंगी और search करूंगी इस प्लांट का जिसमें क्या हो एक एक्सिलरी बर्ड. नाउ आई होप यू ऑल ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्सिलरी बर्ड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाइल टीचिंग यू स्टेम कटिंग दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ द न्यू प्लांट. ठीक है? तो ये जरूरी है, बिना बर्ड का कोई फायदा नहीं है कुछ भी करके. तो देन नेक्स्ट व्हाट वी विल डू आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस बर्ड दैट यस दिस पर्टिकुलर लोअर ब्रांच इज हैविंग एन एक्सिलरी बर्ड, I will pull the branch down till it touches the soil. ठीक है? And once I see that yes, it comes in contact with the soil, next I will remove one circular ring of the bark from any portion. ठीक है? वो portion जिसको हम लोग soil के अंदर रखने वाले हैं उस जगह से. ठीक है? तो suppose I removed it from here. Next what I will do? I will put it inside the soil. इसको soil के अंदर डाल देंगे. Suppose मैंने इसको soil के अंदर डाल दिया और ये cover हो गया पूरा soil से suppose. ठीक है? अब next हम लोग क्या करेंगे? Either we will put some heavy object. ठीक है? कोई हैवी ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे रख देंगे, प्रेस कर देंगे ताकि ये जो ब्रांच है ये निकल ना जाए बाहर. ठीक है? या फिर हम लोग इसको इस तरह से किसी हुक से क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे. ठीक है? वी इट्स अप टू अस. आवर इंटेंशन हियर इज टू पुट दैट ब्रांच, दैट कट पोर्शन ऑफ द ब्रांच इन साइड द सॉइल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज हुआ है कि रिंग ऑफ बार्क जो हमने रिमूव किया, रिंग ऑफ बार्क हमने क्यों रिमूव किया? व्हाई डिड वी रिमूव इट? बिकॉज सो एज टू एक्सपोज द कैम्बियम. किसको एक्सपोज करने के लिए? एक्सपोज द कैम्बियम पोर्शन ऑफ द स्टेम. अब कैम्बियम क्या होता है बेटा? इट इज अ टिश्यू. ठीक है? इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. ये क्या करता है? ये एक स्पेशल टिश्यू है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए. तो जब हम लोग यहाँ पे इस ब्रांच के किसी भी पोर्शन से हम लोग बार्क डेड होता है जो बार्क को जब रिमूव कर देंगे तो कैम्बियम वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो जाएगा. और रूट्स के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाई डिड वी रिमूव द बार्क? वी रिमूव द बार्क टू एंश्योर रूट्स गेट डेवलप्ड. ठीक है? सो दैट रूट्स गेट डेवलप्ड इन फ्यूचर. ठीक है? जो प्लांट हम लोग डिजायर्ड खोज रहे हैं उसमें रूट्स का डेवलपमेंट के लिए. अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा या फिर सक्सेसफुल ना भी हो. ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया? रिंग ऑफ बार्क को हटाया और हमने कैम्बियम को एक्सपोज कर दिया. कैम्बियम टिश्यू क्या करेगा? वो सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करेगा, मतलब कि रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा. ठीक है? सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. नाउ आफ्टर अ फ्यू डेज व्हाट वी विल नोटिस चिल्ड्रन? दैट द ब्रांच गिव्स आउट रूट्स. ठीक है? रूट डेवलप कर लेता है ये. किस पोर्शन से? उस पोर्शन से जहाँ पे हमने रिंग ऑफ बार्क जो है वो रिमूव किया था. तो सपोज यहाँ से रूट्स बहुत सारे डेवलप हो गए हैं और हम क्या देखेंगे कि दिस प्लांट continues to grow if we cut it off. Even if we cut it off, अगर हमने इसको यहाँ से काट दिया, इसको अपने parent plant से completely अलग भी कर दिया, तो ये क्या करेगा? ये एक independent plant बन चुका है. अब ये खुद अपना life को खुद से maintain करेगा. It will do photosynthesis, क्योंकि ये जो axillary bud है ये shoot system बनाना already start कर चुका होगा. और भी बहुत सारे birds आ गए होंगे, तो now it is able to do
photosynthesis as well. So this is how vegetative propagation takes place artificially by layering. So what type of layering is this, children? If I ask you, this is called soil layering. Okay, now this is basically done in case of mint, rose and jasmine. I hope this is clear, children. If you have any doubt, do let me know in the comment box. Okay, so next is what, children? Next is the most interesting out of all the types of vegetative propagation that are done artificially, and this is what, this is called grafting. If we talk about like what is grafting, then grafting is a special type of plant propagation in which, children, a part of a plant that is called scion is fixed on to another part of another plant that is called a rootstock. मतलब हम लोग दो plants लेते हैं. Grafting के लिए क्या जरूरी है? दो plants जरूरी है. एक part of the plant को जो कि क्या हो सकता है, या तो bud हो सकता है, ठीक है, या फिर वो simply एक stem हो सकता है, ठीक है, या कोई भी part of the shoot हो सकता है, जैसे कि branch हो सकता है, ठीक है. ये लेंगे एक side में, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम लोग scion. ठीक है, और दूसरे प्लांट से जो है हम लोग सेकेंड पार्ट लेंगे, जो कि क्या होगा, स्टेम होगा या फिर ब्रांच होगा, एज बी विश. ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रूट स्टॉक. ऐसा हम लोग क्यों बोलेंगे बेटा? क्योंकि इसी से किसका डेवलपमेंट होगा? इस वाले स्टेम या ब्रांच से डेवलपमेंट होगा फ्यूचर न्यू प्लांट के रूट्स का. इसीलिए बहुत सिंपल है, जिस पार्ट से रूट का डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में न्यू प्लांट में, उसको बोलेंगे रूट स्टॉक या सिंपली स्टॉक बोलेंगे. और जिसको, जिससे क्या है, अपर पार्ट मतलब शूट का ज्यादा डेवलपमेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सायन. दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेम्बर. ठीक है, सो बेसिकली चिल्ड्रेन, इफ यू आस्क मी कि ग्राफ्टिंग किन प्लांट्स में किया जाता है, द बेस्ट एग्जांपल्स आर ऑन योर स्क्रीन. दे आर रोज, मैंगो एंड गुआवा. सो नाउ लेट्स लुक एट दिस डायग्राम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग. सो वट वी आर गोइंग टू डू चिल्ड्रेन, वी आर गोइंग टू टेक टू डिफरेंट parts of shoot from two different plant which we want to mix up and get a mixed variety of the new plant. तो ठीक है, हमने ले लिया, suppose हमने plant A से क्या ले लिया, scion ले लिया, ठीक है, और प्लांट बी से हमने ले लिया रूट स्टॉक या सिंपली स्टॉक ले लिया. देन वट वी डू, वी मेड इट श्योर दैट द पोर्शन of the scion we have taken, it must contain axillary bud, at least one axillary bud to usme hona hi chahiye. And why so? You know very well, just now, just before some time I have taught you, so that the development of future shoot system of the upcoming new plant can take place. Theek hai, to ye pehla requirement ho gaya beta. Aur kabhi bhi hum log koi bhi tarah ka artificial vegetative propagation kar rahe hain to hame healthy plant se hi sample lena hai. है, ये हमेशा याद रखना है. ठीक है, तो मैंने सायोन ले लिया यहाँ पे प्लांट ए से, स्टॉक ले लिया प्लांट बी से. नेक्स्ट क्या किया, आप देखो मैंने यहाँ पे एक ऑब्लिक कट दिया. ठीक है, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट अगेन. क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, कैम्बियम के लेयर्स को एक्सपोज करना है ताकि रूट्स का जो डेवलपमेंट हो सके वो बहुत जल्दी हो सके. लेकिन अब बोलोगे टीचर ये वाला तो ऊपर रहेगा, क्या रूट्स का डेवलपमेंट तो स्टॉक वाले स्टेम से होना चाहिए. बिल्कुल करेक्ट. तो यहाँ पे कैम्बियम क्या करेगा, यहाँ पे कैम्बियम रूट का डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करेगा, इस पोर्शन में वो फिक्सिंग का काम करेगा. कैसे करेगा, हम लोग आगे देखते हैं. तो अब ये वाला जो दूसरा वाला ब्रांच या स्टेम है बेटा, ये है स्टॉक. इसमें देखिए, इसमें हम लोग जस्ट एकदम फ्रॉम द मिडल वी विल गिव अ कट इन सच अ वे सो दैट वी कैन फिक्स द सायन ऑन टू इट. उसके अंदर उसको फिक्स कर पाएंगे, जो कि आप देख पा रहे हो डायग्राम नंबर बी में. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो, नंबर बी में, डायग्राम नंबर बी में इस तरह से हम लोग उसको सायन को जो है रूट स्टॉक में हम लोग इंसर्ट कर देंगे, एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ टेप वी विल रैप इट. ठीक है, रैप कर देंगे. कुछ हम लोग स्टरलाइजिंग यहाँ पे एंटीसेप्टिक भी जरूर लगाएंगे. क्यों लगाएंगे? सो दैट देयर इज नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, ये हमेशा याद रखना है. और उसके अलावा एक और प्रिवेंटिव
मेजर यहाँ पे लेना है कि हम लोग को वैक्स का एक थिन कोटिंग या थिक कोटिंग एज वी विश जरूर देना है, सो दैट नो मॉइस्चर गेट्स इनसाइड. इफ देयर इज मॉइस्चर इनसाइड देन डेफिनेटली देयर विल बी ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच विल इन टर्न स्पॉइल द एंटायर ग्राफ्टिंग प्रोसेस. ठीक है, और ये सड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो डिके हो जाएगा ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये सारा चीज हमें करना है, या तो हम लोग कोई एंटीसेप्टिक या कोई स्टेरिलाइजेशन यहाँ पे कर दे, या फिर हम लोग क्या करें, सिंपली हम लोग इसको वैक्स से कवर कर दे इस पूरे पोर्शन को जहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग किया है, मतलब द ग्राफ्टेड पोर्शन जो है उसको, और हम लोग फिर फाइनली उसको पूरी तरह से रैप कर दे. ठीक है, किसी भी पॉलिथीन से या फिर किसी टेप से, जैसा हम लोग विश करें. और अब हम लोग क्या देखेंगे, आफ्टर अ फ्यू डेज ये दो पार्ट्स जो होंगे बेटा, दे विल एक्चुअली गेट जॉइंड. ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे. स्टॉक और सायन जो अलग अलग था, अब वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो अलग अलग है. ठीक है, आपको दिखेगा कि यस वी हैव डन द ग्राफ्टिंग हियर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि नाउ दे आर वन प्लांट, अब वो एक प्लांट बन चुके हैं. द रूट्स विल डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टॉक सायन. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज योर ग्राफ्टिंग. और अब जो रूट का डेवलपमेंट हो गया है, कुछ दिन में शूट का भी डेवलपमेंट हो जाएगा बहुत अच्छा से, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज हाउ ग्राफ्टिंग इज डन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इट इज. व्हाई सो, बिकॉज इट लीड्स टू अ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट. क्यों न्यू वैरायटी, क्योंकि यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है ना, दो डिफरेंट प्लांट. सपोज प्लांट ए के जो फ्लावर्स थे वो रेड थे, प्लांट बी के जो फ्लावर्स थे वो व्हाइट थे, और अब जो न्यू वैरायटी हमें मिला है वो या तो पिंकिश है, ठीक है, या फिर व्हाइट विथ रेड रेड डॉट्स है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मतलब यही है, इन शॉर्ट यू अंडरस्टैंड दैट यू विल गेट अ न्यू वैरायटी व्हिच यू डू नॉट सी इन एनी अदर मेथड. तो ग्राफ्टिंग में आपको न्यू वैरायटी देखने को मिलता है, इसीलिए ग्राफ्टिंग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है इन टूडेज वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर. अब यहाँ पे एक चीज और है, ये तो हो गया एक फ्लावरिंग प्लांट का हम आपको एग्जाम्पल दे के समझा दिए. बेटा मैंगो, गुआवा, आपने देखा होगा अगर आप कभी भी फ्लावर शो में या कुछ भी इस तरह का कोई एग्जीबिशन में, प्लांट्स का एग्जीबिशन में गए होंगे, तो वहां पे बहुत सारा बोनसाई का जो वैरायटी होता है आपको देखने मिलता है. छोटे छोटे डॉर्फ प्लांट्स में आपको बहुत सारे मैंगो लगे हुए या गुआवा लगे हुए दिखे होंगे. ये कैसे पॉसिबल है बेटा, दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्राफ्टिंग. दे आर एक्चुअली द ग्राफ्टेड प्लांट, दे आर द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्लांट्स विच स्टार्ट fruiting at an early age just because of grafting, and they have the desired characters of two plants. unme jaise ki is case mein kuch features jo new plant mein aaya, पिंक वाले प्लांट का, रेड वाले प्लांट का आ गया, रेड वाले फ्लावर्स वाले प्लांट ए का आया, और कुछ आया प्लांट बी के वाइट फ्लावर्स का फीचर, तो एक न्यू कॉम्बिनेशन हमें देखने मिला. तो मैंगो और गुआवा के केस में भी वैसा ही होता है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज योर ग्राफ्टिंग. आई होप दिस इज क्लियर एनफ, आई हैव एक्सप्लेन चिल्ड्रेन, बट स्टिल यू फाइंड एनी डाउट एनी वेयर डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. Now the last one is micro propagation. So micro means what? We all know micro means tiny. तो यहाँ ये जो type of propagation है बेटा, artificial vegetative propagation, this is seen in only those plants which cannot propagate by the normal methods of artificial vegetative propagation. जैसे कि orchids, gladiolus and chrysanthemum, तीनों ही flowering plant है. ठीक है, तीनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और इनमें ये पाया गया है कि ये जनरली जो नॉर्मल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उससे ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो इनके केस में हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक न्यू मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है माइक्रो प्रोपगेशन या फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक. ठीक है, सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर टिश्यू कल्चर इज व्हाट, इट इज एन एक्सप्लांट. नाउ यू विल आस्क मी, टीचर व्हाट इज एन एक्सप्लांट. बेटा एक्सप्लांट इज एनी पार्ट of the plant body that is capable to further grow and develop into a new plant. ठीक है, this is the most simple language I can explain in. So let's say what are the various types of explants. First is bud.
ठीक है। सेकेंड इज शूट एपेक्स, शूट का जो टिप होता है स्टेम का, शूट एपेक्स, और एनी पार्ट दैट कैन ग्रो, एनी पार्ट दैट कैन ग्रो, ठीक है। अब ग्रो करने के लिए क्या जरूरी होता है, इफ यू कैन यू इफ यू हैव एनी गेसेस यू कैन कमेंट बिफोर आई एक्सप्लेन यू इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो एनी पार्ट दैट कैन ग्रो, चलिए एक्सप्लांट, ठीक है, बर्ड, शूट एफेक्ट्स एंड एनी पार्ट दैट कैन ग्रो, ये तीनों का ही एक नेसेसरी, एक मैंडेटरी फीचर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि ये ग्रो करे, ठीक है, ग्रो करे तब तो न्यू प्लांट का ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ किससे होता है बेटा, ग्रोथ होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू के कारण। कोई भी ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी है, वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अब मेरिस्टमेटिक टिश्यू किस सेल्स के बने रहते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू सेल्स के बने रहते हैं। अब ये ग्रोथ क्यों कर पाते हैं, बिकॉज दे अंडरगो रैपिड सेल डिवीजन, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन टिल दे अटेन मेच्योरिटी, व्हेन दे स्टॉप डिवीजन एंड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू परमानेंट टिश्यू। तो वो एक अलग बात है, मैं अभी यंग स्टेज का बात कर रही हूँ, बर्ड का बात कर रही हूँ, टेपेक्स का बात कर रही हूं, या फिर कोई अदर ग्रोइंग रीजन का बात कर रही हूं यहां पे। तो इसीलिए हम लोग ये पार्ट्स को चूज करते हैं, और क्या नाम दिया है हमने इन्हें, हमने इन्हें नाम दिया है एक्सप्लांट, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू चिल्ड्रन, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। सो दिस इज द कल्चर मीडियम, इसको हम लोग बोलते हैं कल्चर मीडियम, और ये पूरा सेटअप है। दिस इज अ कॉनिकल फ्लास्क वी हैव टेकन, वी हैव इनसाइड इट वी हैव टेकन न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग कुछ स्टेरिलाइजेशन केमिकल्स भी यूज करते हैं ताकि अंदर में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो पाए, अदरवाइज वो क्या करेगा, जो हमारा एक्सप्लांट जो हम लोग लिए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको क्या कर देगा, दे विल कंप्लीटली डिकम्पोज इट। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल दोज थिंग्स वी विल टेक सम स्टेरिलाइजेशन केमिकल्स, एंड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ दिस एक्सप्लांट वी विल टेक सम न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, ठीक है। सो वी गॉट टू थिंग, वन इज योर just a second children, one is your nutrient medium and other is what beta, other is sterilization medium. तो ये दोनों basic एकदम एकदम जरूरी है tissue culture के लिए, इसके बिना tissue culture successful होगा ही नहीं। तो nutrient and sterilization medium जो भी है। अब next क्या करोगे करेंगे बेटा हम लोग, after a few days we will find that this explant has started undergoing cell division and it has formed a mass of cells that is called what, that is called callus, ठीक है। तो cell division होगा obviously, क्योंकि यहाँ पे meristematic tissues present है, तो इनके जो cells होंगे वो divide करेंगे, grow करेंगे, ball of cells या mass of cell बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं callus, ठीक है। I hope till here everything is clear. एक चीज यहाँ पे बताना भूल गए थे बेटा, that it is mandatory to close the mouth of the conical flask with the cotton flask, ठीक है, कॉटन प्लग्स। बिल्कुल भी बाहर से कुछ भी चीज, एयर हो, मॉइस्चर हो, कुछ भी अंदर नहीं आना चाहिए, और अंदर का कुछ बाहर नहीं जाना चाहिए, इन शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक्सप्लांट अब किसमें बदल गया है, एक्सप्लांट बदल गया है मास ऑफ सेल्स में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैलस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, we will add some plant hormones. What we will add, add children, we will add some plant hormones. Why are we going to add this, in order to, we add this in order to ensure that the development of the callus is faster and it leads to the production or the generation of the various plant parts, ठीक है। it ultimately ये जो plant hormones है, ये क्या करता है कि different parts of the plant body जो होता है उसको डेवलप करने में बहुत मदद करता है। तो अब देखिए, पहले क्या था, एक्सप्लांट था, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, रुके। पहले सबसे पहले हमने एक्सप्लांट लिया था, एक्सप्लांट किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, एक्सप्लांट कन्वर्ट हो गया कैलस में, फिर कैलस को आप देखो कन्वर्ट हो गया है एम्ब्रायो में। अब इस एम्ब्रायो का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होगा, ठीक है, और ए एम्ब्रायो ही बाद में चल के टाइनी प्लांटलेट्स में बदल जाता है, ठीक है, लास्ट में।
तो यहाँ पे हमने प्लांट हार्मोन सप्लाई कर दिया है और अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो डेवलप होना चालू हो गए। नेक्स्ट हम लोग लास्ट स्टेज में, दैट इज नंबर डी में देख रहे हैं कि यस आर टाइनी प्लांटलेट इज ऑलरेडी फॉर्म, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, टाइनी प्लांटलेट्स आर फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्लांटलेट को सॉइल में हम लोग सो कर देंगे, ठीक है, लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। सो दिस इज व्हाट इज योर टिश्यू कल्चर। सो वंस अगेन आई एम गिविंग अ रिकैप, अ शॉर्ट एंड क्विक रिकैप। वी हैव टू टेक एक्स प्लांट, दैट इज बर्ड, शूट एपेक्स और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी दैट कैन ग्रो, देन वी हैव टू पुट इट इनसाइड द टिश्यू कल्चर मीडियम विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट एज वेल एज द स्टेलाइजेशन मीडियम। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल प्लग द माउथ ऑफ द conical flask with cotton plug so as to ensure that no outer air or moisture enters inside. Next we will see that the explant undergo rapid cell division due to the presence of meristematic tissue cells and forms a mass of cells called callus. This callus further grows, okay? And then what we do, we add some plant hormones so as the different parts of the plant, tiny plant can develop, such as root shoot, जो भी आप बोलिए, ठीक है, सब develop कर सके अच्छे से plant hormones add करने के बाद। Last में हम लोग देखेंगे बेटा कि बहुत सारे tiny plantlets जो हैं with shoot and root just developed, ठीक है, they will appear. Now if we transfer these plantlets into the soil, each plantlet is capable to become a new independent plant. So this is how we do the tissue culture, which is an artificial method of vegetative propagation. Now students, let us see the advantages of plant tissue culture. So the first one is, children, in tissue culture, as we have seen, there is rapid propagation of identical individuals, means प्रोपगेशन जो होगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट जो होगा वो बहुत रैपिडली होगा और हम लोग बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्लांट डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा कि पेरेंट प्लांट थे उन्हीं के कैरेक्टर्स वाला न्यू प्लांट हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, या क्या एडवांटेज देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का, कि ये एक बहुत ही प्रोडक्टिव मेथड है, किस लिए, सुपीरियर वेराइटीज को भी डेवलप करने के लिए, ठीक है। किसी भी प्लांट का एक सुपीरियर वैरायटी, अगर हम लोग एक सुपीरियर क्वालिटी चाहते हैं तो वी कैन गो फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट। थर्ड इंपॉर्टेंस इज बेटा, इन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एक्चुअली, देयर आर सम सीड्स, कुछ प्लांट्स के सीड्स ऐसे होते हैं जो कि डोरमेंट रहते हैं। अब डोरमेंट का मतलब क्या है, सपोज दिस इज वन सीड, ठीक है, ये एक सीड है, इस सीड के अंदर एक टाइनी बेबी प्लांट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं। इन सीड्स के अंदर एम्ब्रायो डोरमेंट रह जाता है, ठीक है, जो भी रीजन हो डोरमेंट रह जाता है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जर्मिनेशन का नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, देन सुटेबल टेम्परेचर एंड व्हाट बेटा, एंड मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर। अगर ये सारा चीज अवेलेबल है तो एक सीड क्या कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है। लेकिन एक डोरमेंट सीड ऐसा नहीं होता, उसको सब कुछ देने के बाद भी अगर वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केस में हम लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो क्योंकि सीड का कौन पार्ट प्लांट में बदलता है, ट्रांसफॉर्म होता है फ्यूचर में जाके, एम्ब्रायो। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, सपोज ये एम्ब्रायो वाला पोर्शन है, इसको हम लोग ले लेंगे किस ये पे, एज एन एक्सप्लांट, ठीक है, और अब इसको हम लोग कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे और कल्चर मीडियम में ग्रो करने के बाद हमें जो डिजायर्ड प्लांट जो हम चाह रहे थे वो हमें न्यू प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। सो लाइक दिस इज वेरी एडवांटेजियस, द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांटेजियस इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स दैट हैव सीड्स दैट आर डोरमेंट। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। चिल्ड्रन, we all know that how the setup was, we have seen just before some time, so we can understand that this require a lot of scientific expertise, bahut zyada scientific expertise chahiye, itna hi nahi sare cases mein hum tissue culture nahi kar sakte, theek hai, har samay tissue culture karna, har ek plant ke sath tissue culture karna, it is not practically possible, theek hai, aur itna hi nahi bahut sare remote agriculture
कल्चरल एरियाज होते हैं जिन पे तो टिश्यू कल्चर हम लोग एप्लीकेबल कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, बिकॉज दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेस टू डू टिश्यू कल्चर. ठीक है. Now students, let us understand the advantages of artificial vegetative propagation. So the first advantage is the production or propagation of offspring plants that are exactly identical to the parent plants. मतलब ऐसे offspring plants का formation या development जो कि बिल्कुल अपने parent plants की ही तरह है. ये क्यों important है या ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक advantage है, क्योंकि बेटा जब ये offspring plants बिल्कुल अपने parents की तरह होंगे तो उनका जो भी desirable features होगा parents का वो offspring में भी आए. मतलब कि कोई भी गुड फीचर है, कोई भी गुड क्वालिटी है उस पेरेंट प्लांट का, लेट अस से कि पेरेंट प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट है, तो ऑफस्प्रिंग प्लांट भी जो होगा वो भी होगा डिजीज रेजिस्टेंट. सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. नेक्स्ट बेटा, इन जनरल व्हाट वी सी दैट द प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम सीड्स दे टेक अ मच लॉन्गर टाइम ऑफ मेनी इयर्स, लेट्स से 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स, like that to develop fruits, to bear fruit. Means what? They take a lot of time to attain sexual maturity. Sexual maturity here means formation of flowers and fruit. ठीक है, तो ये बहुत delayed होता है. लेकिन अगर हम लोग इसको artificially vegetative propagation method से करते हैं, the plants they can bear the fruits in a very short span of time. ऐसा नहीं है कि 2-3 days में fruit लग जाएगा, बट कंपैरेटिवली सपोज एनी ट्री इज टेकिंग 10 इयर्स टाइम, तो मे बी इट डेवलप्स फ्रूट इन 5 इयर्स ओनली बाय मींस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ द थर्ड एडवांटेज चिल्ड्रन, इट इज व्हाट द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स दे डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द अर्ली इयर्स अनलाइक द प्लांट्स व्हिच आर ग्रोन बाय सीड्स. तो सीड से अगर हम लोग ग्रो करते हैं तो हम लोग को बहुत सारा अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से कर रहे हैं तो बहुत सारे अटेंशन देने की जरूरत नहीं है. नाउ द फोर्थ एडवांटेज इज दैट चिल्ड्रन that many plants can be grown from just a single parent plant. एक single parent plant से बहुत सारे plants को हम लोग grow कर सकते हैं. Just थोड़े देर पहले हम जब tissue culture पढ़ रहे थे, micro propagation पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि एक single callus explant से कैसे हमें बहुत सारे क्या मिले थे, plantlets मिले थे, और हर एक plantlets grow कर सकता है एक new plant में. Fifth advantage जो है बेटा वो क्या है कि इस मेथड से, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से, हम लोग सीडलेस प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं, सीड के प्लांट्स बिना भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. Okay students, that's all for today then. See you all very soon with the next video in the next class, and the topic will be sexual reproduction in plants. Okay, so till then stay tuned, and if you have any doubt anywhere, do let me know in the comment box, and also give your feedback or any suggestions you have regarding my classes. Thank you all of you. Take care.